फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक हाइड्रोपोनिक फार्म पर लेकर आई हूँ। तो ये एक टोमेटो का हाइड्रोपोनिक फार्म है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है कोकोपीट, जो नारियल का जो ऊपर का कवर होता है उसके फाइबर से बनाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक में मोस्टली डिफरेंट मीडिया यूज़ किया जाता है, तो कोकोपीट भी एक वन मीडिया है। तो उन्होंने वही यूज़ करके ग्रो किए हुए हैं टोमेटोज़ को। तो ये देख सकते हैं बाहर, ये लेटेस ग्रो किया हुआ है इन्होंने कोकोपीट में, और बहुत अच्छा और फ्रेश लेटेस है। और कुछ यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तुलसा जी और कुछ और हर्ब्स भी लगाई हुई हैं। तो अभी हम मेन हाइड्रोपोनिक फार्म के अंदर आ चुके हैं। तो साइड में इन्होंने कुछ पाइप्स को कट करके उनके अंदर पूरा लेटेस ग्रो किया हुआ है, और नीचे कुछ हर्ब्स भी लगाए हुए हैं। ये हैं सीड ट्रेस। सीड ट्रे के अंदर पहले सीड्स को ग्रो किया जाता है, और जब छोटी छोटी सीडलिंग्स हो जाती हैं फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री पे चारों तरफ इन्होंने पाइप से एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ है, और उन पाइप्स में इन्होंने लैटिस को ग्रो किया हुआ है। आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि लैटिस एक मंथ के अंदर रेडी हो जाता है सेल करने के लिए। देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रीज हो गए हैं टोमेटोज़ के, और कितने सारे क्वान्टिटी में टोमेटोज़ आए हुए हैं। और कुछ तो पूरी तरह पक चुके हैं, रेड हो चुके हैं, और कुछ अभी ग्रीन है। अभी उनको पकने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बाद में ये आपको उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट देता है। आप देख सकते हैं कि कितने छोटी सी जगह में कितने सारे टोमेटो प्लांट ग्रो हो पा रहे हैं इस हाइड्रोपोनिक की वजह से। और इन टोमेटो प्लांट को इन्होंने पूरा ऊपर टाइट करके हैंग किया हुआ है, बांधा हुआ है रस्सियों से, जिससे कि वो नीचे बैंड ना हो जाए। क्योंकि जब टोमेटोज आते हैं तो प्लांट्स हैवी हो जाते हैं और वो नीचे बैंड हो जाते हैं। तो ये हमारा लेटिस है, और यहाँ पे कुछ मैं अभी छोटा छोटा है, अभी ग्रो हो रहा है। इन टोमेटोज के साथ साथ यहाँ पर ये कुकुम्बर भी ग्रो करते हैं, लेकिन अभी वो हार्वेस्ट कर लिया है। अभी दोबारा से जब ये पूरा हार्वेस्टिंग कर लेंगे टोमेटोज का, फिर ये दोबारा से कुकुम्बर भी लगाने वाले हैं। तो देखिए कितना अच्छा टोमेटोस ग्रो हुए हैं। लीव्स को देख के ही पता चलता है कि ये प्लांट कितने हेल्दी है। आपको दिखाती हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है वो वाटर में डिसॉल्व करके दिया जाता है। तो टू सॉल्यूशन होते हैं, ए और बी। तो इनके अंदर डिफरेंट साल्ट्स को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है एक प्रपोर्शन में। तो वो सब इन्होंने उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर एक लिखा हुआ है कि कितना क्वांटिटी आपको मेज़र करके उसको मिलाना है। आप रख दीजिए और फिर ये जो बटन रहता है वो स्विच ऑन कर दीजिए, फिर वो ऑटोमेटिकली पाइप के थ्रू ड्रिप की तरह से, ड्रिप में ड्रिप लगाते हैं ना, और ड्रॉप ड्रॉप जाता है न्यूट्रिएंट, तो ये भी प्लांट्स में जाता है ये जो पाइप्स लगे हैं उनके थ्रू। तो बहुत कम क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट देना होता है, और दिन में 2 से 3 बार देना होता है। कि जो न्यूट्रिएंट होता है डायरेक्टली रूट्स में जाता है, तो इसीलिए जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती हैं, इसीलिए ये प्लांट्स बहुत कम स्पेस में ग्रो कर जाते हैं इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।